आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे और आप लोगों ने इनके कई इंटरव्यू भी देखे होंगे और ऐसा माना जाता है कि ये जिस भी व्यक्ति के का इंटरव्यू लेते हैं और इनके जिस तरह के सवाल होते हैं और जिस तरह से ये सवालों की बौछार करते हैं, सामने वाला व्यक्ति आउट हो जाता है। आउट कहने का मतलब है कि वो आपा खो देता है और आप देखिए इनके सवालों का सामना नहीं कर पाते हैं। जी हाँ, ये प्रभु चावला हैं और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं और काफी अच्छे पत्रकार भी माने जाते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि प्रभु चावला के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे कि आखिर इनका सफर कहाँ से शुरू होता है, इनका जन्म भी कहाँ हुआ था, इस तरह के जो भी इम्पोर्टेंट या इन्हें आप सभी जानते हैं कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया है, तो उन पुरस्कारों पर भी हम लोग एक एक करके बात कर लेंगे। आपको स्क्रीन पर फोटो इनकी दिखाई दे रही है, ये हैं कौन? प्रभु चावला। और इनके नाम की अगर हम लोग बात करें तो प्रभु चावला आप सभी जानते हैं, इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1946 में। और आप सभी को मालूम होना चाहिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी तो मनाते हैं आप लोग। और इनका जब जन्म होता है उस समय हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था और इनका जन्म स्थान है लाहौर पंजाब ब्रिटिश भारत में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान आज आप लोग देखते हैं ना, एक बार आप लोग भारत को मैप में देख लीजिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखेंगे तो ये हमारा प्यारा भारत, और जो आप लोग पाकिस्तान देखते हैं वो बांग्लादेश, ये 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में हमें आज़ादी मिलती है और भारत के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं, पाकिस्तान और भारत में विभाजित कर दिया जाता है। बांग्लादेश जो आप लोग देखते हैं ये भी पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जो आगे चल के 1971 में आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है और उस समय इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, और पाकिस्तान से अलग करके 1971 में बांग्लादेश नया देश बन जाता है। तो पाकिस्तान के लाहौर में इनका जन्म होता है। और इनकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें तो आप लोग देश बंधु कॉलेज आप लोगों ने सुना होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इनकी शिक्षा होती है। और शुरुआती जीवन में ये क्या करते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के लेक्चरर यानी कि वे प्रोफेसर बन जाते हैं, इकोनॉमी छात्रों को पढ़ाने लगते हैं। और अभी आप लोग देखते होंगे कि प्रभु चावला इंडिया टुडे के संपादक और इंडिया टुडे समूह के संपादकीय निदेशक हैं, रिपोर्टर और संपादक के तौर पर 25 साल में इन्होंने ऐसी घटनाओं पर व्यापक ढंग से लिखा जिसे भारतीय राजनीति और इसे संचालित करने वालों की दिशा बदल कर रख दी थी। और आप सभी जानते हैं ये एक तो ऐसा समय आया कि सरकार भी इनके लेख से गिर गई थी। प्रभु चावला ने इंडिया टुडे के प्रादेशिक संस्करणों में को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाला और बंगाली भाषाओं में आरंभ किया। इसके अलावा आप देखें तो प्रभु आज तक पर प्रसारित होने वाले साप्ताहिक टॉक शो सीधे बात के एंकर भी हैं। अभी आप लोग सीधी बात देखते भी होंगे प्रभु चावला के साथ। और प्रभु द्वारा राजनीति, व्यापार, संस्कृति के क्षेत्र में खबर बनाने वालों का अनोखे तरीके से किए गए एनकाउंटर के चलते यह भारतीय टेलीविजन में सबसे अधिक देखा जाने वाला कार्यक्रम भी बन गया है। और इंडिया टुडे में शामिल होने से पहले प्रभु चावला दिल्ली विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के विख्याता थे, यानी कि कहने का मतलब प्रोफेसर थे, शिक्षक थे, द इंडियन एक्सप्रेस और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के संपादक भी रह चुके हैं प्रभु चावला। इन्होंने समसामयिक की घटनाओं व खोजी रिपोर्टिंग में जीके रेड्डी मेमोरियल अवार्ड और पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए फिरोज गांधी मेमोरियल अवार्ड समेत कई राष्ट्रीय पुरस्कारों को अपने नाम किया हुआ है। और 2003 में आपने देखा होगा कि पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और आप सभी जानते हैं कि जब आप लोग अच्छा काम करते हैं तो आप लोगों को पुरस्कार मिलना स्वाभाविक सी बात होती है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में काम करने से पहले वो इंडिया टुडे न्यूज मैगजीन के भाषा विकासन के संपादक थे, और यह पोस्ट से पहले वो इस मैगजीन कंपनी के संपादक निदेशक थे, और उन्होंने यह स्थान पर 24 साल तक थे। और चावला इस देश में एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं, इस बात को याद रखिए, इस फैक्ट को याद रखिए, और जिसकी न्यूज से दिल्ली की सरकार गिर गई थी। और ये बात है राजीव गांधी की मृत्यु पर विवाद इस पर जैन कमीशन रिपोर्ट पर पड़ताल की थी इन्होंने।
और इसके मैगजीन में प्रकाशन के बाद कांग्रेस ने संयुक्त डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, और जिसे 1997 में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिर गई थी। तो इनकी रिपोर्ट से आप देखें कि सरकारें भी गिर गईं, इस तरह की आपकी प्रभु चावला है। और इंडिया टुडे में रहती हुई उन्होंने सीधी बात नाम का लोकप्रिय शो आज तक पर होस्ट किया, जहां पर वो जानी मानी जो हस्तियां होती हैं उसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन ग्रुप को छोड़ने के बाद उनके जगह मज अकबर को लाया गया, और फिर उन्होंने IBN 7 पर तीखी बात नाम का शो होस्ट किया, और जिसकी काफी सराहा भी गया। अभी वो नेशनल वॉइस पर सच्ची बात नाम का ये शो होस्ट कर रहे हैं, और अभी भी उनके इंटरव्यू आप लोग देखते भी होंगे। इनके पुरस्कारों की बात करें तो 2016 में इन्हें पंजाबी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 2016 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पांचवा IMWA 2016 पुरस्कार इन्हें दिया गया था। 2010 में आप देखेंगे ग्लोबल पंजाबी सोसाइटी अचीवर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2009 में सीधी बात कार्यक्रम के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार और करंट अफेयर्स एंकर के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार, जिसमें राजनीति संस्कृति से लेकर खेल तक की खबरों में लोगों को शामिल किया गया था, तो इससे भी इन्हें एक तरह से सम्मानित किया जा चुका है। 2008 में सर्वश्रेष्ठ टॉक शो होस्ट के लिए भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। 2008 में सनसुई टेलीविजन सर्वश्रेष्ठ टीवी एंकर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2005 में सीधी बात आज तक पर प्रसारित के लिए हीरो होंडा इंडियन टेलीविजन अकादमी का सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है। 2003 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। 2003 में टेली अवार्ड्स टीवी न्यूज एंकर ऑफ द ईयर से भी सम्मानित किया जा चुका है, और 1998 में TSR कलापीठम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी प्रभु चावला को सम्मानित किया जा चुका है। 1989 में GK रेड्डी मेमोरियल अवार्ड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में लेखन में दक्षता की मान्यता के लिए इंडिया टुडे में राजनीतिक रिपोर्टिंग की सीमा और गहराई की एक पावती के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया है। 1985-86 में राष्ट्रीय मामलों और खोजी कहानियों की सावधानी पूर्वक रिपोर्टिंग के लिए फिरोज गांधी मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, किन्हें? प्रभु चावला को। 1984 में डॉक्टर बसी रेड्डी मालथी ट्रस्ट हितकारिणी समाज और राजमुंद्री आंध्र प्रदेश द्वारा स्थापित बी सलिंगम खोजी पत्रकारिता पुरस्कार भी इन्हें दिया जा चुका है, तो इन्हें कुछ पुरस्कार भी मिल चुके हैं। और इनके बारे में एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा, और आप सभी जानते हैं कि किसी के बारे में संपूर्ण उसके बारे में याद रख पाना, उसके बारे में बात कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप देखिए कि सभी की जिंदगी बहुत लंबी होती है, और एक एक बात को हम लोग जान पाए ये पॉसिबल भी नहीं होता है। तो यही होता है कि आप लोग जो भी गूगल पर कहीं से आपको जानकारी मिले उसे एक जगह उपलब्ध करवा लीजिए, और उसके बारे में बात कर लीजिए कि आखिर उसने कहाँ से करियर अपना शुरुआत की, और किन किन चैनलों में रहा है, उसने क्या क्या किया हुआ है, कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए हैं, शिक्षा कहाँ हुई, उसका जन्म कहाँ हुआ और कब जन्म लिया उसने, यही सब रहते हैं पॉइंट जानने के लिए। ठीक है, चलिए आप लोग जानते रहिए, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, और देश के सभी पत्रकारों के बारे में हम लोग बात जरूर करेंगे। अभी तक आपने देखा है रवीश कुमार हो, या विनोद दुआ साहब जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, या आप देखिए अभिषाल शर्मा, इस तरह के जो भी हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि सत्ता पक्ष के हों, सत्ता का पक्ष लेते हों, या सत्ता के एक तरह से आप सोचिए विपक्ष के हों, सभी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। और अगर आप लोग भी किसी के बारे में बात करने की बात करेंगे तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे, आप लोग नाम बताइए उसका। ठीक है,